जिला कुल्लू के भुंतर स्थित तेगू बेहड़ अस्पताल भवन की दीवारों पर लगी टाइलें किसी हादसे को न्योता दे रही हैं। टाइलों के गिरने से अस्पताल आने वाले मरीजों, तीमारदारों व अस्पताल के स्टाफ को भी चोट लगने का खतरा है, जबकि कोरोना काल में तेगू बेहड़ अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। जिला कुल्लू के सबसे तजुर्बेकार डॉक्टर कल्याण ठाकुर आजकल यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, इसीलिए लोग अपने चेकअप एवं इलाज करवाने तेगू बेहड़ अस्पताल का रुख कर रहे हैं। अस्पताल की दूसरी तीसरी मंजिल को जाने वाले रास्ते की दीवार से कुछ टाइलें तो उखाड़ चुके हैं, वही कुछ गिरने की कगार पर हैं, जिनसे अस्पताल आने जाने वालों को चोट लगने का खतरा है। मरीजों के बेड के पास भी टाइलों के उखड़ने का सिलसिला जारी है। तीसरी मंजिल में बीम के साथ सीलिंग में लगी टाइलें अगर किसी के ऊपर गिरती हैं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यह सब देखकर भी अस्पताल मैनेजमेंट लापरवाह बना है। हालांकि इस नए भवन के उद्घाटन के कुछ समय बाद ही टाइलें गिरना व दीवारों में दरारें आना शुरू हो गई थी, तब भी मीडिया द्वारा इस मामले को उठाया गया और लीपापोती कर कुछ सुधार किया गया। अभी भी ऊपर वाली मंजिलों के रास्ते के अलावा और कई जगह से टाइलें उखड़ रही हैं। वहीं तेगू बेहड़ अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर प्रेमलाल ने कहा कि उखड़ रही टाइलों के बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा ताकि इसकी रिपेयर समय पर हो जाए। भुंतर से मेघ सिंह कश्यप की रिपोर्ट।